जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। MUN 2023 ब्लू बेल स्कूल के अंदर सेक्टर 10 में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया आज, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन की मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस नाम से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और यूनाइटेड नेशन की 7 कमेटियां यहां पे एक तरीके से गठित की गई थी। 500 से अधिक बच्चों ने इस कमेटी के अंदर हिस्सा लिया। पूरे देश भर के बच्चों ने आकर के इन कमेटियों का मेंबर बन कर के इनमें हिस्सा लिया और साथ ही भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को भी जाना। इन कमेटियों के माध्यम से बच्चे भविष्य में होने वाली अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा को तैयार कर रहे हैं और भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंदर स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर बिष्ट ने अजय भारत मीडिया को जानकारी दी इस बारे में। आइए देखें यह खास खबर। इसको शेयर जरूर करें ताकि अन्य बच्चों तक भी यह जानकारी साझा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम है त्रिलोचन बिष्ट, प्रधानाचार्य धामदर डूबल्स पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में आज बहुत बड़े स्तर पर एक BBBBPS MUN कराया जा रहा है, जो 2 दिन की प्रक्रिया है और आज और कल, जैसे पूरे भारत के बच्चे 500 डेलीगेट्स आए हुए हैं। ये डेलीगेट्स आपस में बात विवाद करेंगे, जो विभिन्न जो समस्याएं वर्ल्ड में हैं उनको डिस्कस करेंगे, डेलीब्रेट करेंगे, कोलेट करेंगे, देन दे विल क्रिएट अ रेजोल्यूशन एट द एंड ऑफ इट टुमारो। तो ये जो बच्चे हैं आपस में ये बात करेंगे, क्योंकि आजकल कहा जाता है ना कि जो है कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे अगर अपनी बात कहना नहीं जानेंगे, अपनी बात को रखना नहीं जानेंगे, तो आगे वो क्या सोल्यूशन देंगे हमें। तो ये आज की जनरेशन जो है इसे भविष्य के लिए तैयार करने के लिए बहुत आवश्यक है कि इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं, जहां बच्चे एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे के व्यू पॉइंट को जानें और आपस में डिस्कस करके कोई सोल्यूशन निकालें उसका। तो हमारे पास आज यहाँ 7 कमिटीज थी। 7 कमिटीज के लिए हमारे पास जो चेयर थी दे वर ऑल आउटसोर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड शिव नाथाजी यूनिवर्सिटी। एंड हमारे जो बच्चों ने हैं, हमारे स्कूल के 110 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बाकी 390 बच्चे बाहर से आए हुए। तो बहुत ही खूबसूरती से बच्चे कर रहे हैं। हर एक अगर आप जाएंगे AIPTN में, अगर जाएंगे पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, तो आपको दिखाई देगा बिल्कुल पार्लियामेंट की तरह ही हो रहे हैं, लेकिन रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं बच्चे। हमें देख रहे हैं कि अपने जिस भी कमेटी में बच्चे जा रहे हैं, जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ जो डिस्कशन चल रहे हैं, अगर कोई भी बात बोलनी अपनी तो अपने प्लेकार्ड्स ऊपर कर रहे हैं, बीच में नहीं बोलना है, एक दूसरे के बोलते हुए टोकना नहीं है। आई थिंक ये जो जनरल एजुकेशन दे विल लर्न ओनली थ्रू दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन ऑल टुगेदर। अगर हम नहीं करवाएंगे तो बच्चों को पता नहीं चलेगा कि हमें किस तरह से वार्तालाप करना है। वार्तालाप कहते हैं सुनना, जितना बोलना इम्पोर्टेंट उतना ही सुनना भी इम्पोर्टेंट है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप उसको काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों को आज जो उस तरह की जो शिक्षा मिल रही है, ये भी एक पढ़ाई लिखाई का एक वो है, एक अभिन्न अंग है, लेकिन फिर कुछ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन होगी। जो खेलकूद प्रतियोगिता है वो भी आजकल एजुकेशन का पार्ट है। तो फिर रियली लुक एट इट, NEP ने जो किया है, बच्चों को सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित करना है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर विद्यालय कार्य करेंगे तो स्कूल बहुत सफल रहेंगे। आई थिंक दिस वॉज अ लिटिल ब्रीफ अबाउट इट, एंड वी हैव द टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, वी ऑल्सो हैव द प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। वी हैड टुडे इन द मॉर्निंग इन द इनॉग्रल वी हैड एयर वाइस मार्शल LN शर्मा फ्रॉम द एजुकेशन टिटल ऑफ एयर फोर्स, ही वॉज देयर इन द बिगनिंग। वी हैड मिस्टर अशोक दिवाकर जी, ही इज द वाइस चांसलर ऑफ Sharex University, he was also there in the morning. Then we had our director, Mrs. Dr. Suman, Sharoj Suman Gulati ji, she was there. Then we had our ex-principal, Mrs. Dhawan, and Mrs. What is her name? Nisha Gulati ji. ये सब लोग आए थे तो बहुत अच्छा लगा। कभी अगर सभी लोग आते हैं, बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, तो आई थिंक इट रियली वर्क्स आउट अ लॉट, राइट? हमारा जो है, हमारा देश है वसुधैव कुटुंबकम। आज विश्व के अलग अलग देश एक छोटे से गांव की तरह बन के रह गए हैं।
क्योंकि अभी हम कहते हैं ना द होल वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉल विलेज, बिकॉज वी आर कनेक्टेड. इफ यू आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, वी आर कनेक्टेड टू द वर्चुअल मीडिया ऑल टुगेदर. हमारी ये जो 7 कमेटी थी, इसके अलावा 4 कमेटी भी थी, उसका नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कमेटी जो थी हमारी थी, वो ऑनलाइन थी. उसने हमारे पास 6 देशों के डेलीगेट्स थे, अराउंड 90 डेलीगेट्स थे. उनके साथ भी हमारी चर्चा परिचर्चा हुई है. जिम्बाब्वे से जो उनके मिनिस्टर हैं वो हमारे साथ थे, ग्रीस से हमारे एक मिनिस्टर थे. तो आई थिंक इट वॉज अ वंडरफुल, बिकॉज उन लोगों को हम यहाँ नहीं बुला सकते थे. तो आज जो ये पेंडेमिक ने जो हमें सुविधा दी है, जो हमें पेंडेमिक में सीखा है, उसको हमको जाया नहीं करना है. हमने उसको भी यूज किया और इंटरनेशनल कमेटी हमने ऑनलाइन की थी और वो अभी भी चल रही है. अगर आप चाहेंगे हमारे कंप्यूटर लैब में वहां से शुरू हो रखा है. थैंक यू, नमस्कार. Dipakshi, please, Mari. Where are the other volunteers? Yes, here. Please go ahead. Greetings, Chair. Today I address the justice. We are committed to eradicating racism, discrimination, xenophobia, and our own struggle against colonial oppression has taught us the destructive nature of discrimination and the need to address its root causes. Algeria emphasizes the pillar that teaches tolerance and respect. We can empower future generations to embrace diversity. We are ready to collaborate with other member states to enhance educational programs. Furthermore, strong legal framework. Algeria believes in strengthening national legislation, national convention on the elimination of all racist approach. Algeria supports initiatives that promote economic empowerment, equal access to education. Lastly, responsible use of media and technology is crucial in countering hate speech and extremist ideology. Table noted. With this, are there any points on the floor? Are there any motion on the floor? स्कूल से आए, कहाँ पे आए आप और आज जो आप इस जगह पे आए हैं, तो क्या ये कार्यक्रम है, क्या सीखा? ओके, हाय. सो माय नेम इज राधिका यादव. आई एम फ्रॉम दी HDFC स्कूल. वी आर हियर टुडे एट द मॉडल यूनाइटेड नेशंस एट ब्रह्मा दत्त ब्लू बेल्ट मॉडल स्कूल. MUN, it is a simulation of the United Nations, and our committee is AIPPM, which is All India Political Meet Party. It is an Indian committee, and as far as I can say, my experience here has been really fun. We got to learn so many new things, and we heard so many new fruitful debates. Hello, I'm Ishita Gangwar, and I'm here from DAV Public School Sector 14. And I'm representing Nitish Kumar from Janata Dal United, the CM of Bihar. In this debate, I learned a lot. The moderator told us about many new aspects of the debate structure, which we were being told right now as well. And it was very educational for me. Thank you. Nitish Kumar ne Bihar mein लोगों की भलाई के लिए कौन सा अच्छा काम किया आपके साथ? See, for see, the our agenda is education basically. So if I go according to that, for education of girl child, we introduced a policy or cycle yojana where girl child were given these cycles to travel to school, which increased the attendance ratio. Liquor in the state, which has improved the quality of people and making them converting them into an asset. Thank you. Sharma, I am from Shalom Presidency School and I am representing Om Birla, the Speaker of Lok Sabha. So today's conference has been a very fruitful conference for me. I have been to many AIPPM conferences, but this one was a different one since our moderator told us something new about the conference. It was not just about the verbatim, it was more about a new functioning of the AIPPM. So tomorrow will be a nice day for us because it will be different from other AIPPM committees. Hi, good afternoon. My name is Anil Bhardwaj. I am the representative of Brahma Dutt Bluebells Public School. Actually, in these formative years of the children, it is no less than a blessing that these children, they are learning it by doing. And this is what the experiential learning is. So by these kind of programs, the children come to know how actually parliament works,
how the issues are raised, how they are able to put forward their point of view, how it is listened, how do other political parties object, and finally how a bill gets passed. So it is really a great learning for them, and I'm very, very happy that the children are enjoying, and I'm thankful to our media, I'm thankful to the principals also who have sent such a brilliant children over there. Thank you.